देखिए, फैसला कोर्ट ने कर दिया बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, जन्मभूमि के लिए बनने के लिए जो है जो हर चीज़ है वहाँ के जो है पहले से तैयार रखा हुआ था, उन पर उस पर काम शुरू हो रहा है, ट्रस्ट बन रहा है। ट्रस्ट के लिए 3 महीना क्या उससे पहले नहीं बन जाएगा। हमारे यहाँ जो मस्जिद के लिए ज़मीन के लिए कोर्ट ने कहा है, वो ज़मीन कहाँ है उसको भी चिन्हित किया जाए, क्योंकि जब ज़मीन चिन्हित होगी तभी जो है हम लोगों का कोई काम शुरू होगा। अभी ज़मीन हमें कोई चिन्हित नहीं, इसलिए हम लोगों को भी ये सोच रहे हैं, हमारी कमेटी भी मांग कर रही है कोई ज़मीन है कहाँ और किस जगह रहेगी उसको भी बताया जाए, क्योंकि अयोध्या की जो कमेटी है, अयोध्या हो चाहे फैजाबाद हो चाहे लखनऊ हो, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, 1997 वक्फ बोर्ड भी है और भी पार्टियाँ हैं, लोग पूछते हैं कि वो ज़मीन कहाँ है, जो ज़मीन हमको जो है कोर्ट ने दिया है वो ज़मीन कहाँ है उनको बताया जाए, कम से कम उस पर भी हमारा काम शुरू हो जाए। जानकारी मिल रही है कि आपके पर्सनल लॉ बोर्ड जो है 26 तारीख को इस पर 5 एकड़ ज़मीन के लिए बैठक कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर बैठक हमारे यहाँ कमेटी कर रही है, अभी किस तरीके ज़मीन कहाँ मिलती है उस हिसाब से काम लोग जो है कमेटी के लोग काम करेंगे। अभी तो जो है ये बताया ही नहीं गया कि ज़मीन है कहाँ। उमा भाई, जिस प्रकार से ये अभी आपको जो फैसला आया है, तो क्या आप इसको फैसले को आप अच्छे से मान रहे हैं या फिर दोबारा इस पर कोई याचिका दाखिल करेंगे पुनर्विचार? देखिए, हमने जो है इससे पहले भी कहा था कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, फैसला आ गया तभी हमने कोर्ट का सम्मान किया, पूरे देश विदेश में जो है अपना जो है शांति का एक पैगाम दिया कि हम पक्षकार हैं, कोर्ट का फैसला मान लो, हम भी मान ले रहे हैं। अब हम लोग तो जो है यही चाहते हैं कि देश में अमन कायम रहे, वो हो गया, क्योंकि हम लोग देश के वफादार हैं, देश में शांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान अगर मिल के रहते हैं तो शांति से रहते हैं, हमें चाहते हैं कि किसी के बरगलावे में लोग ना आवें, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, जो मानवता जो इंसान पैदा किया के लोग जो है दुनिया में हुए हैं वो इंसानियत का काम करें, एक दूसरे को परेशान करने वाला जो लोग काम करते हैं उनको भी भगवान जो है वो भी देख रहा है, अल्लाह उनको भी देख रहा है, ऐसा लोगों को काम नहीं करना चाहिए जिससे इंसानियत को जो है इंसान को रहने में दुश्वारियाँ पैदा हो। हम मानवता का संदेश लोगों को देते हैं, हमें चाहते हैं कि हिंदू ना मुसलमान, हमारा हिंदुस्तान है, सारे इंसान उनको उनके लिए मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, आपस में जो है ताल्लुकात चाहिए, यही जीने का रास्ता है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आप कोई पुनर्विचार याचिका जो है नहीं देंगे? देखिए, हमने इससे पहले भी कहा है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, आज भी कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट नहीं जाएंगे पुनर्विचार के लिए। इस पर आप सहमत हैं? भाई, हम सहमत ना होते तो जो है आज हम 3 दिन हो गया बिल्कुल शांति से माहौल है, हम अपनी अपनी बात लोगों से कह रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन हमारी भी जो ज़मीन हमको कोर्ट ने जो है दिया है उसको चिन्हित किया जाए, कोई ज़मीन है कहाँ। भाई, कल स्नान हो रहा, लाखों पब्लिक आ रही है, तो क्या अपील करना चाहते हैं? फैसला आ चुका, तीसरा दिन, कल चौथा दिन होगा, क्या अपील क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है, साधु संत जो की नगरी है, अयोध्या धार्मिक नगरी है, मेले का टाइम है, सारे लोग आते जाते रहते हैं, स्नान करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि अयोध्या आवे, दर्शन करें, पूजा करें, स्नान करें, ये तो पुरानी परंपराएं हैं, इस पर कभी कोई रोक नहीं रहा, कभी किसी का कोई विवाद नहीं रहा, मेले में तो लाखों श्रद्धालु आया करते हैं हमेशा की ये बात है, धर्म की नगरी है, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है, चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के, अगर शीश अलैहि सलाम की मजार है तो बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी है, सरजू नदी है तो नूह अलैहि सलाम की मजार भी है, 10,000 मंदिर है तो राम सीता की ही ऊंचा विराजमान है,